हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको संस्कृत में पढ़ाएंगे ग्रामर सर्वनाम संहिता। सर्वनाम के बारे में आपको हम सिखाएंगे। सर्वनाम बच्चों क्या है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे राम जाता है, हिंदी में राम जाता है, यानी राम एक संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसको जब हम संस्कृत बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? रामः गच्छति, राम जाता है, रामः गच्छति। और उस जगह में, राम का जगह में अगर हम बोलेंगे वह जाता है तो क्या हो जाएगा बच्चों? शः गच्छति। वह का होता है संस्कृत में शः और जाने का गच्छति। तो राम के जगह पर हम किसको प्रयोग किए? वह, यानी सर्वनाम का हम प्रयोग किए। तो इसी चैप्टर में हम आपको सिखाएंगे कि वह और यह सर्वनाम शब्द में किस प्रकार से तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। यह का और वह का किस प्रकार से हम तीनों लिंगों में प्रयोग करते हैं, वही आपको हम एकदम इजी तरीका में सिखा देंगे कि आपको कभी गलत ही नहीं हो सकता। तो चलिए हम पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग में एषा गजा, एषा का मतलब पुल्लिंग में होता है या हाथी, या हाथी। स्त्रीलिंग में होता है एषा, एषा का मतलब यह। पुल्लिंग में एषा विसर्ग, एषा मतलब यह, और स्त्रीलिंग में एषा, एषा मतलब यह, और जट का मतलब चिड़िया, जट का मतलब चिड़िया। और नपुंसक में, नपुंसक लिंग में एतत् पुस्तकम्, एतत् मतलब या पुस्तक। तो बच्चों आप फिर से देखिए, जब पुल्लिंग रहेगा, कोई भी पुल्लिंग शब्द रहेगा और उसका या में प्रयोग होगा एषा। कोई भी जब स्त्रीलिंग शब्द रहेगा उसमें या का मतलब हो जाएगा एषा, ऐसा रहेगा तो आप वहाँ यह लिखेंगे। और कोई भी नपुंसक लिंग जब रहेगा तब आप एतत् में या लिखेंगे, एतत् पुस्तकम् या पुस्तक। नेक्स्ट देखिए, अयम् बालका, अयम् का मतलब भी होता है यह, अयम् का मतलब भी यह। पुल्लिंग शब्द के लिए या बालक का मतलब बालक, या बालक। स्त्रीलिंग शब्द में इयम् बालिका, इयम् मतलब होता है यह, एषा मतलब भी यह, और इयम् मतलब भी यह, या बालिका, या बालिका। इदम् आम्रम्, एतत् मतलब भी यह नपुंसक लिंग के लिए, और इदम् मतलब भी यह, और आम्रम मतलब आम। नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक हम यह का प्रयोग किए, अब हम वह का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए, श राजका, श मतलब होता है वह, वह राजका मतलब धोबी, वह धोबी। ये पुल्लिंग शब्द के लिए वह में श लगेगा। आपको इतना याद रखना है, जब इस पुल्लिंग शब्द में या में एषा होता है तो अब आप ए को हटा दीजिएगा तो शा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मध्यनुष है और यहाँ दंश लगेगा। नेक्स्ट देखिए, स्त्रीलिंग में शा मक्षिका, वा मक्खी, वा मक्खी। यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द में या में एषा था और यहाँ पर ए को आप हटा दीजिए तो यहाँ बन जाएगा शा, ए हट गया तो बन गया शा। इसको आप इसी तरह से याद कीजिएगा, एषा एषा एतत्। और जब आप वा को करेंगे तो खाली आपको याद रखना है, आगे से हमको ए हटाते जाना है। देखिए, यहाँ हम ए हटा दिए तो क्या बैठ गया? शा, और ये मध्यनुष का जगह दंत सा हो जाए,
व बखी। अब यहाँ देखिए नपुंसक लिंग में तत् कंदुकम, तत् मतलब वा गेन वा गेन। यहाँ पर भी देखिए एतत् ए हटा दीजिए, ए को आप हटा दीजिए तो क्या बचा तत्, ए हट गया तो क्या बचा तत्, और ये तत् मतलब होता है वा। नेक्स्ट देखिए आशव कृषका, आशव मतलब भी वा, यहाँ पर आयम या और यहाँ पर आशव हो जाएगा वा, वा किसान, वा किसान। यहाँ पर आशव, आशव मतलब भी वा, आशव मतलब वा और शिक्षिका मतलब अध्यापिका, अध्यापिका। नेक्स्ट देखिए नपुंसक लिंग में अदा, अदा मतलब वा और पुष्पा मतलब फूल, अदा पुष्पम वा फूल। आगे चलिए कुछ क्वेश्चन हम देंगे आपको और आपको सिखाएंगे या और वा का प्रयोग आप कितने आसानी से आप करेंगे। ये हो गया या और ये है वा, तो चलिए और हम कुछ क्वेश्चन से आपको और क्लियर हम आपको समझाते हैं। नेक्स्ट बच्चों देखिए हम यहाँ कुछ क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपको सर्वनाम शब्द में या और वा और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों के लिए सभी सर्वनाम शब्दों को संस्कृत में लिखिए। ये जो दो या और वा ये क्या है, सर्वनाम शब्द है। इसको संस्कृत में हम किस प्रकार से तीनों लिंगों में प्रयोग करते हैं वही आपको हम सिखाते हैं। या के लिए पुल्लिंग शब्द में हम क्या लिखते हैं बच्चों, एष। या के लिए क्या लिखते हैं, एष। स्त्रीलिंग के लिए हम क्या लिखते हैं, एषा, एषा। और नपुंसक के लिए हम लिखते हैं एतत्, एषा, एषा, एतत्। अब हम देखेंगे वा, सर्वनाम शब्द वा, वा के लिए हम क्या क्या लिखते हैं तीनों लिंगों में। शा, बच्चों आपको क्या इजी, एकदम इजी ट्रिक हम क्या दिए हैं, या में एषा, या मतलब दिश, इंग्लिश में दिश, और वा मतलब दैट। तो यहाँ या में पुल्लिंग शब्द में एषा लगा है और वा पुल्लिंग शब्द में ये ए को आपको हटा देना है और क्या लिखना है, श। ये मधन श, बेकटा मधन श हट के लग जाएगा आपका दन स, दन समय विषय श। स्त्रीलिंग शब्द में या के लिए एसा और वा के लिए ए हटा दीजिए, क्या बचेगा सा, मधन स का जगह में दन स, समया शा, एसा सा, वह के लिए। एतत्, एतत् में भी ठीक उसी प्रकार ए को हटा दीजिए तो क्या लग जाएगा तत्। नपुंसक लिंग में वा के लिए तत्। फिर से देखिए एक बार, या के लिए पुल्लिंग शब्द में एषा, जैसे ये बालक, एषा बालका। कितना अच्छा से आप संस्कृत में अनुवाद भी कर पा रहे हैं, आसानी से आप ये सब सीखेंगे तो आपका संस्कृत से हिंदी अनुवाद भी हो जाएगा। तो यहाँ अगर देगा कि यह बालक तो क्या लिखना है, एषा बालका। या में स्त्रीलिंग में एषा अगर हिंदी में दिया जाएगा या बालिका तो आप क्या लिखेंगे, या का एषा बालिका। नपुंसक में एतत् या फूल तो आप क्या लिखेंगे, एतत् पुष्पम। नेक्स्ट देखिए वा, वा के लिए सा, वा के लिए पुल्लिंग शब्द में शा, वा बालक, शा बालका, वा लड़की, शा बालिका। तब वा के लिए लड़की में हो जाएगा सा, स्त्रीलिंग के लिए। और तत् वा, वा पुस्तकम तो क्या हो जाए, वा पुस्तक तब क्या हो जाएगा, तत् पुस्तकम।
तो ये या आर वा अच्छा से आपको क्लियर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का हिंदी में अर्थ लिखिए। आप ये संस्कृत में लिखा गया है, इसको हम हिंदी करेंगे, हिंदी अनुवाद करेंगे। एशा गजा, यहाँ क्या लिखना है, या हाथी। एशा मतलब या, गजा मतलब हाथी। सेकंड में देखिए, एतत् पुस्तकम्, एतत् मतलब हो गया या, और पुस्तकम का लिखेंगे पुस्तक। नेक्स्ट देखिए, इयम बालिका, इयम का भी क्या हो जाएगा, या बालिका लड़की, या लड़की। ऐसा चटका, ऐसा में क्या हो जाएगा, ऐसा में या चटका मतलब चिड़िया, चिड़िया या चिड़िया। ये चारों में या हो गया, ऐसा मतलब या पुल्लिंग शब्द में, एतत् मतलब भी या नपुंसक लिंग के लिए, यम मतलब यहाँ पर या स्त्रीलिंग शब्द के लिए, यम बालिका या लड़की, ऐसा चटका ये भी स्त्रीलिंग शब्द में या, और चटका का चिड़िया। नेक्स्ट देखिए, आशव कृषका, आशव मतलब हो जाएगा वह, और कृषका का हो जाएगा किसान, वह किसान। अदह अदह पुष्पम, अदह का हो जाएगा वह फूल। अब और कुछ नेक्स्ट आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं और हम आपको सिखा रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों आप देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के आगे य की संस्कृत लिखिए। इसमें आपको लिंग को पहचान करके य का रूप, सर्वनाम का रूप आपको लिखना है। यहाँ क्या है, उर्मिका। जब आ की मात्रा लास्ट में है तो ये क्या है बच्चों, बालिका। क्या है, स्त्रीलिंग शब्द। उसी तरह उर्मिका स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग में या के लिए क्या लिखेंगे, ऐसा। क्या लिखना है, ऐसा। नेक्स्ट दो नंबर में देखिए, बाला, बाला मतलब क्या है, बालक लड़का। तो ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग में या में क्या होता है, ऐसा, ऐसा वाला या बालक या उर्मी का मतलब अंगूठी। सिंह, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें भी क्या होगा, पुल्लिंग शब्द में या के लिए ऐसा, ऐसा। माला, माला क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें आप यम लिख दीजिए, यम, यम मतलब भी यम। पुष्पम, पुष्पम क्या है, नपुंसक लिंग है, इसलिए या के लिए होता है एतत्, एतत्। गृहम, गृहम भी क्या है, नपुंसक लिंग है, और उसके लिए यम में एतत् का प्रयोग होता है, इसमें भी एतत् का प्रयोग होता है। अब चलिए बच्चों, आपको वा के लिए सर्वनाम शब्द वा के लिए क्या लिखते हैं संस्कृत में, वो आपको हम सिखाते हैं। अब नेक्स्ट बच्चों देखिए, निम्नलिखित शब्दों के आगे वा की संस्कृत लिखिए। इसके आगे हम आपको पढ़ाएं या के लिए, अब हम पढ़ाएंगे वा के लिए। तो बच्चों आपको क्या याद रखने बोले थे हम, जब या के लिए जैसे एशा होता है तो वा के लिए ए हटते जाएगा। तो देखिए जैसे यहाँ दिया है बालका, तो अगर ये या रहता तो हम क्या लिखते, एशा। अब हम ए को हटाएंगे और लिखेंगे केवल श। नेक्स्ट देखिए मक्षिका, तो मक्षिका क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो या के लिए हम लिखते हैं स्त्रीलिंग में एशा। अब हम ए को हटाएंगे तो क्या बनेगा, सा। ए हट गया तो क्या बचा, शा। नेक्स्ट देखिए कदली फलम, कदली फलम मतलब केला, ये नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग में या के लिए एतत् होता है,
और वा के लिए हम क्या सिखाए आपको बच्चों, ए को हटा देंगे यानी तत्। क्या लिखेंगे आप? तत्। तत् कदली फलम, वा केला। नेक्स्ट देखिए गजा। गजा क्या है? पुल्लिंग शब्द है और पुल्लिंग में या के लिए एशा होता है और संस्कृत में आप ए को हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा? श, स गजा। नेक्स्ट देखिए लूता। श गजा व हाथी। लूता, लूता मतलब मकड़ी, स्त्रीलिंग शब्द है तो क्या हो जाएगा? सा, सा लूता व मकड़ी, यानी ए को हम हटा दिए, ऐसा से बन गया सा। वायुयानम, या के लिए नपुंसक लिंग में एतत् होता है और वा में हम ए को हटाएंगे और क्या लिख देंगे? तत्। तत् वायुयानम। इस प्रकार से हम या और वा का प्रयोग करते हैं। अब चलिए हम कुछ आपको या और वा से संस्कृत से किस प्रकार से हम लोग हिंदी अनुवाद करेंगे वो हम आपको सिखाते हैं। अब बच्चों आइए कुछ हम संस्कृत शब्द लिए हैं जिसका हम हिंदी अनुवाद करेंगे। ऐसा बालिका, ऐसा मतलब यह, बालिका मतलब लड़की या लड़की, इसका क्या हो जाएगा? ऐसा बालिका। तत् पुस्तकम, तत् बच्चों गौर कीजिए यहाँ ए हट गया है यानी यह नहीं होगा, क्या होगा? वा, वा पुस्तक। नेक्स्ट देखिए ऐसा गजा, ऐसा फिर से ए आ गया है यानी या हाथी। नेक्स्ट देखिए इदम आम्रम, इदम क्या हो गया? या, क्या होगा? या आम। लास्ट देखिए श बालका, श मतलब ए हट गया है तो क्या हो जाएगा? वा, वा बालक, वा बालक। तो बच्चों आपको सर्वनाम शब्द को हम सिखा दिए हैं कहाँ पर ये होता है और कहाँ पर वा का प्रयोग होता है। तो बच्चों अगर आपको पढ़ाई समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको मेरा पढ़ाई मिलते रहे। थैंक यू सो मच।